तो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओवन का कवर। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट लेंगे। यहाँ से इसका नाप है वो है 12 इंच का। और अब हम इसके ऊपर वाले हिस्से का नाप लेंगे जो कि 10 इंच का है। और इसके साइड से इंची टेप को रख के और नीचे तक जो कि 38 इंच का है। और अब इसके बैक साइड का नाप लेंगे। यहाँ पे जो मेज़रमेंट है वो है 10.5 इंच, 10.5 इंच। और इसके पीछे की तरफ से भी सेम 38 इंच ही इसका नाप है। और आगे वाले हिस्से का नाप है वो है 17 इंच। ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था जिसका कि हम कवर बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम इसकी जो लंबाई थी वो ऊपर वाली वो लेंगे जो कि 38 इंच थी। और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और ऐसे ही 10 इंच ऊपर की तरफ से थी। और इसमें भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से इस पे निशान लगा के इस पीस को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करने के लिए रखा है। ये एक हिस्सा इसका कट गया है। अब हम बैक वाले हिस्से को काटेंगे। तो उसके लिए जो हमने मेज़रमेंट लिया था वो था इसका 17 इंच। और इसमें भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे साइड से मोड़ने के लिए। और ये हमारा बैक हिस्सा कट गया है जो कि 17x10 इंच का है। और अब ये हमारा फ्रंट है और इसमें भी हमने 17 इंच का काटना है और उसमें भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और ये आगे में जो है वो हैंडल लगा हुआ है ओवन को, तो वहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो उसके लिए हम एक ही साइड से बची हुई पट्टी को लगा लेंगे फोल्ड करके। फोल्ड करने के बाद ये लगभग 2 इंच की हो जाएगी और इसको इसके साथ अटैच कर देंगे और ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा रेडी हो जाएगा। और अब ये तीनों पीस कट चुके हैं और हम अब इस पे फोम शीट लगाएंगे जो कि मैंने इसके नाप का काट लिया है। तीनों पीस पे हम फोम शीट लगाएंगे और फिर इसके ऊपर एक और कपड़ा रख के इसके साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब ये मैंने तीनों पीस ले लिए हैं, बीच में फोम शीट को रखेंगे और इसके ऊपर इस सिलाई लगा लेंगे। जिससे कि अच्छे से इसके ऊपर अटैच हो जाएगा और बीच में भी इसको फिल कर लेंगे सिलाई से ताकि ये तीनों पीस अलग अलग ना हों। ये मैंने OTG ओवन का कवर बनाया है। ठीक इसी तरह से आप माइक्रोवेव का कवर भी बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अब ये जो फ्रंट वाला हिस्सा था उस पे जो ये 4 इंच की पट्टी थी इसको डबल फोल्ड करेंगे जिससे कि ये 2 इंच की रह जाएगी और इसको आगे वाले हिस्से पे अटैच कर लेंगे। और इसके ऊपर भी फोम शीट लगा के इसको रेडी कर लेंगे। और अब जो ये इसके किनारी हैं इसको फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पे मेरे पास ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसलिए मैंने इस पर जिग जैग वाली सिलाई लगाई है। आप इस पर सिंपल सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखो, ये मैंने जिग जैग वाली सिलाई लगाई है इसके तीनों हिस्से पे। अभी रेडी हो गया है। अब ये तीनों पीस मेरे तैयार हो गए हैं। अब तीनों पीसों को इस पे देखें कैसे अटैच करेंगे। सबसे पहले लंबे वाले पीस को हाफ़ कर लेंगे और उस पे निशान लगा लेंगे, और फिर इसके बाद इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है उस पे निशान लगा लेंगे, उसका भी बीचों बीच, और इसके ऊपर निशान के ऊपर निशान को रख के वो सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह पीछे वाले हिस्से पे भी हम निशान लगा लेंगे इसके बीच में, और इसको भी इसी तरह रख के और सिलाई लगा लेंगे। निशान के ऊपर निशान को मैच करके हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये फ्रंट वाला हिस्सा है और ये पीछे बैक वाला है। और अब हम साइड से जो बैक वाला हिस्सा है उसको उठाएंगे और उसके साइड से लंबी वाली स्ट्रिप पे इसको अटैच कर देंगे। और अब यहाँ पे मैं इसको दोनों तरफ से पिनअप कर दूँगी और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और आगे वाले हिस्से को ऐसा ही खुला छोड़ देंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ से और इसको सीधा कर देंगे। और अब इसके जो पीछे, ये भी इसका बैक वाला हिस्सा है और ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा है, और जो साइड से किनारी है इस पर इसको फोल्ड करके और सिलाई मशीन लगा लेंगे इसके तीनों तरफ। ये सिलाई मशीन लगा ली है। अब ये रेडी हो गया है। और अब जो इसका आगे वाला हिस्सा है, फ्रंट वाला, इसमें ओवन में, ओटीजी ओवन में हैंडल लगा हुआ है, उसका मेज़रमेंट लेके मैंने यहाँ पर इस पर कट लगा लिया है। एक साइड से 4 इंच है और दूसरी तरफ से 1.5 इंच है, और बीच में ये 12 इंच का निशान लगा के कट लगा लिया है और इसको सिलाई कर ली है। अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको सील लिया है। अब ये मेरा ओटीजी ओवन का जो कवर है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।